महादेव गुरु, स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं बीएचयू से संबंधित आप सभी को सारा इन्फॉर्मेशन देते हुए आ रहा हूं। तो देखिए, एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे, और जितने बच्चे हैं वो बीएचयू एडमिशन को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे। तो मैं एक क्वेरी आप लोग की सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए एक बीएचयू की तरफ से एक अपडेट आई थी जिसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जब अपना पोर्टल खोलते हैं तो उनको ये चीज़ दिखा रहा है कि उनका जो है एडमिशन कोर्स अलॉट हो चुका था, और अलॉट होने के बाद वो तुरंत गायब हो गया। और ये क्वेरी हमारे पास बहुत ज़्यादा बच्चों ने किया कि भैया हमको तो अलॉट हुआ था और तुरंत अचानक से गायब हो गया है। तो मैं आपको देखिए बता देना चाहता हूँ, वो एक ग्लिच था, ठीक है। अभी बीएचयू की तरफ से इसे कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई थी और ना ही कोई कोर्स अलॉटमेंट हुआ है, क्योंकि बीएचयू ने ये खुद कहा है कि वो अपना कोर्स अलॉटमेंट शाम के 6 बजे के बाद वो स्टार्ट करेंगे और आज से अलॉट शुरू करेंगे। तो जो पहला अलॉटमेंट होगा वो फिजिकली हैंडीकैप्ड, यानी कि जो दिव्यांग बच्चे होंगे उनका अलॉटमेंट होगा। जो रेगुलर बच्चे हैं उनका अलॉटमेंट 5 तारीख से होगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए हमारे पास एक बच्ची ने अपना वो चीज़ भेजा था, आप देख सकते हैं। मैं उनका डिटेल नहीं दिखा सकता क्योंकि प्राइवेसी को लेकर है, इसलिए मैं केवल यहीं ऊपर से दिखा रहा हूँ। इनको जो है इन्होंने मुझे भेजा कि भैया मुझे कोर्स अलॉट हुआ था, वो अचानक से गायब हो गया। तो देखिए, इनको जो प्रोग्राम अलॉटेड हुआ था वो बीएससी ज्योग्राफी ऑनर महिला महाविद्यालय में जो है इनको अलॉट हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और इनको अलॉट हो चुका था, अब फिर जैसे ही बोली कुछ देर बाद जो है इनका पोर्टल ऐसे जो है ब्लैंक दिखाने लगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, बीएचयू का ऑफिशियल पोर्टल है। तो मैं इनको फिर समझाया भी, और केवल इन्हीं का नहीं, केवल बहुत सारे बच्चों के साथ ये हुई होगी। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि बीएचयू की तरफ से अभी कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है, ये टेक्निकल ग्लिच की वजह से जो है अलॉट हो चुका था, तो वो फिर जो है वापस हट गया, ठीक है। तो जितने भी रेगुलर के बच्चे हैं उनका अलॉटमेंट जो है 5 तारीख से ही अलॉटमेंट शुरू होगा, अभी आपका नहीं होगा। केवल दिव्यांग जो बच्चे हैं उनका ही पहले अलॉटमेंट होगा। जो भी प्रोसेस होगी, जो भी प्रक्रिया होगी, मैं आपको पल पल की अपडेट देता रहूंगा। बस आपको करना यही है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी दबा देना है, ताकि जो है कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं छूटेगी। और मैं जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको, ग्राउंड लेवल की इन्फॉर्मेशन देता हूँ और पूरे हंसते खेलते खाते देता हूँ, ताकि आप लोग बोर भी नहीं होइए और मज़ा से अपना इन्फॉर्मेशन भी देख लीजिए, ठीक है। तो यही थी, और जितने भी बच्चों को ये चीज़ आया होगा तो आप लोग परेशान मत होइएगा, दोबारा से आप लोगों को कोर्स अलॉट होगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए। अरर महादेव।